अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 लिमिट्स का मेरे पास लेक्चर नंबर 5 है। एक्सरसाइज नंबर 1.6 और 1.7 बेसिकली इन्हीं से क्वेश्चंस हम लोग लिमिट्स के डील कर रहे होते हैं, और एग्जाम्स के अंदर आपके पास इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, इन्हीं दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड लिमिट्स के अंदर लिमिट्स के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अच्छा भाई, मेरे पास लेक्चर नंबर 5 के अंदर है क्या? सबसे पहले एक मेन फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, देखो इसको एज इट इज हमने याद रखना है ताकि हम इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस करेंगे वो आपको समझ में आसानी के साथ आ जाएंगे। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, कह रहा है कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू जीरो हो और e की पावर x, व्हाट इज e? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव्स के अंदर हमने पढ़ा था ना, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो e की पावर x यानी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर पावर अगर आ जाए x माइनस वन डिवाइड बाय x, e की पावर x माइनस वन डिवाइड बाय x। अब e की पावर जो x है या m है या n है, सेम वही टर्म डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए और लिमिट क्या हो x अप्रोचेस टू जीरो, या जो भी पावर है उसकी अगर रिस्पेक्ट से लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो को, देन द आंसर विल बी वन। इसका आंसर क्या होगा? वन हो जाएगा। अब ये तो सिंपल सा देखो मेरे पास फॉर्मूला है, इसको यूटिलाइज करना है यहां पर। अभी आपको ये क्वेश्चन इस तरह समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.7 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 3 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 होल टर्म डिवाइड बाय x। देखो सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो हमने क्वेश्चन उतार दिया, ठीक है, 3e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाय x। अब भाई मैं यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या, फॉर्मूला के अंदर मैं क्या देख रहा हूं कि e की पावर x तो है लेकिन यहां पर क्या लाजमन होना चाहिए, माइनस का 1, ये सुनो, माइनस का 1 होना चाहिए जब ही मैं और डिवाइड में आपके पास x होना चाहिए, यानी सेम जो पावर e के ऊपर लगी है वही डिवाइड में होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो आपके पास जब ही उसका आंसर क्या देगा, 1 देगा। अब क्या मुझे दिख रहा है यहां पर 3 e की पावर x माइनस 1 है कहीं, या इसके साथ माइनस e की पावर माइनस x माइनस 1 कुछ दिख रहा हो मुझे, ऐसा तो नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगाओ हमें उसने ये माइनस 2 क्यों दिया, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। ये कर लोगे माइनस 2 को सॉल्व कर लो, आपके पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी कहानी दी हुई है, कोई लंबा चौड़ा काम भी नहीं करना। देखो माइनस 2 है ना, क्या इस माइनस 2 को मैं माइनस 3 प्लस 1 नहीं लिख सकता, मुझे एक बात बताओ, यस सुनो, मैं इस माइनस 2 को माइनस 3 प्लस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, दोबारा माइनस 2 बन जाएगा। अब देखो मैं बेसिकली मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये मैं बिला वजह नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं फॉर्मूले को। यहां पर तो भाई e की पावर x के साथ मेरे पास माइनस 1 आना चाहिए, e की पावर कुछ भी हो मेरे पास माइनस 1 उसके साथ लाजमी आना चाहिए, इसलिए मैंने 2 को ब्रेक कर, माइनस 2 को ब्रेक किया माइनस 3 प्लस 1 के अंदर। अब 3 e की पावर x हो गया, माइनस का 3 एज इट इज, ठीक है, मैं उसको यहां ले आया। अब माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये बात समझ आ रही है, डिवाइड बाय x। अब भाई क्या होगा, 3 ई की पावर x माइनस 3 में से मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूं, देखो उसको नेक्स्ट लाइन में करके लिख देना, 3 कॉमन निकाला, ई की पावर x माइनस 1 बचा, और यहां जब मैं माइनस, यहां पर जब मैं कॉमन लूंगा तो कुछ कॉमन तो है नहीं, माइनस साइन अगर मैंने कॉमन ले लिया अंदर क्या बचा, ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1। देखो ये पूरी टर्म डिवाइड हुई है किससे, एक्स से। अब ये पूरी टर्म आपकी डिवाइड हो गई एक्स से। सेकंड थिंग, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ये साइन क्या आ रहा है, बीच में साइन आ रहा है माइनस का, यस और नो? आपको एक बात पता है, मैं पहले मेंशन कर देता हूं। देखो अगर आपके पास कहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है, 1/2 प्लस 1/2, तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने एक एग्जांपल ली है,
वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू। डिनोमिनेटर जब सेम होता है क्या कर देते हैं उसको एक मरतबा लिख देते हैं, बाकी न्यूमिनेटर में जो टर्म ऐड हो रही है ऐड करा दो, सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट करा दो, यही होता है ना। अब मैं अगर कोई टर्म लिखी है ऐसे थ्री प्लस एक्स डिवाइड बाय टू, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे लिखी गई है, इसका मतलब ये है कि थ्री के नीचे भी टू है और एक्स के नीचे भी टू है, जब भी तो ये बनी है, आया ना यस और नो। यही काम बेसिकली मैं बेटा यहां पे करने जा रहा हूं, थ्री ई की पावर एक्स माइनस वन, एक्स को इसके भी नीचे कर दिया, माइनस साइन का माइनस साइन आ गया, ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, यहां पर भी मैंने यही कर दिया। अब देखो आपको मैं लेक्चर नंबर वन के अंदर लिमिट के बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ा चुका हूं कि लिमिट अगर दो ऐसी टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो रही है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही है, सिमिलरली हमने एडिशन के लिए भी पढ़ा था, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या कर दो लिमिट दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो थ्री ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स आ गया, सिमिलरली लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स। अब भाई मैं अभी ऊपर आपको फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, क्या फॉर्मूला कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा हो, लिमिट के अंदर एक्स अप्रोच कर रहा हो जीरो को और आपके पास e की पावर x माइनस वन आ रहा हो, डिवाइड में भी वही टर्म आ रही हो जो कि e की पावर है, तो उस पूरे का आंसर क्या होता है, इस पूरे का आंसर क्या होता है, वन होता है, ऐसा ही पढ़ा हमने, बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं जस्ट यहां पर e की पावर x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स है, देखो पावर जो है वही डिनोमिनेटर के अंदर भी होना चाहिए, साइन सारी चीजें सेम होनी चाहिए, साइन भी वैल्यू की भी वैल्यू भी। अब देखो अब यहां पर क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे टर्म की जगह क्या आ जाएगा मुझे बताओ, इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा वन, इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा वन, यानी थ्री को हटा के बात कर रहा हूं। एक काम ये कर लेते हैं थ्री को बाहर निकाल देते हैं फिर कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्यों किया आपको मैं पहले ही, ये मैंने कॉन्स्टेंट को बाहर क्यों निकाला, मेरी मर्जी थोड़ी चल रही है, ऐसा ही है ना, मेरी मैथ मेरी मर्जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो आपके लेक्चर नंबर वन के अंदर मैंने बात पढ़ाई थी, अगर लिमिट अप्लाई हो रही है एक ऐसी टर्म के ऊपर जिसके साथ कोई कॉन्स्टेंट लगा है तो कॉन्स्टेंट बाहर लिमिट उस टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाती है, लेक्चर नंबर वन नहीं देखा तो वो जाकर देख लो, इसलिए क्या ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे तो वही सिंपल सी, यहां पे तो कोई कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा था, e की पावर x माइनस वन डिवाइड बाय x है, देखो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं मुझे एक बात बताओ, यहां तो वन आएगा, यहां वन नहीं लिखूंगा, यहां वन मत लिख देना गलती से, वजह कि यहां पर e की पावर माइनस एक्स और माइनस वन ये तो है, लेकिन क्या डिवाइड के अंदर जो e की पावर है विद साइन वो मौजूद है, वो मौजूद नहीं है, यानी e की पावर माइनस एक्स है और डिवाइड में सिर्फ एक्स आ रहा है पॉजिटिव का, तो मुझे यहां पे कौन सा साइन के साथ एक्स चाहिए, विद नेगेटिव साइन के साथ, विद नेगेटिव साइन के साथ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा क्या कि मैं माइनस साइन से क्या करा देता हूं, मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव साइन, ये बात समझ आ रही है भाई, मैं माइनस साइन से क्या करा देता हूं, मैथ्स के अंदर है ना, अगर एक जगह आप प्लस करा रहे हो तो माइनस भी कराओ, तो मैं यहां पर सीन क्या कर रहा हूं, यहां पर ऐड भी करा रहा हूं यहां पे, यानी माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करा रहा हूं और डिवाइड भी करा रहा हूं, सिमिलरली आप ऐड कराओगे तो कोई टर्म तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा, माइनस साइन को मल्टीप्लाई भी करा रहा हूं और डिवाइड भी करा रहा हूं, ताकि हम दोबारा अगर क्वेश्चन के ऊपर जाएं तो हमारा वही हमें क्वेश्चन
मिल रहा हो, हमें वही स्टेप मिल रहा हो जिससे हम नेक्स्ट स्टेप पे गए थे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, थ्री लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स। सिमिलरली अब यहां पर देखो मैंने क्या कराया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नेगेटिव साइन, ऐसा ही है यस और नो? तो भाई मैं क्या करूंगा, एक साइन मैं पहले यहां करके दिखाता हूं, पहले मैं लिख दूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस वन डिवाइड बाय एक्स आ रहा था ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मैंने नेगेटिव साइन करा दिया। अब डिवाइड वाला साइन जो था ना नेगेटिव का, वो मैंने इसके साथ लगा दिया, और जो मल्टीप्लाई वाला था मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। भाई होना क्या था, आपको समझ आ रही है यस और नो? होना तो ये था ना, माइनस साइन ये रहा, लिमिट क्या लग रही है एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्या होना था, ये होना था, बस मैंने क्या किया इस माइनस साइन को बाहर ले गया, मैंने क्या करा दिया माइनस माइनस प्लस, क्योंकि पहले से माइनस मौजूद था। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है भाई, इसकी जगह क्या पुट कर दो, वन पूरे की जगह, और यहां पर भी क्या आ जाएगा पूरे की जगह वन। ठीक है, थ्री इंटू वन इक्वल्स टू थ्री, थ्री प्लस वन फोर, भाई दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ये बात समझ आ गई, क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इससे हम रिलेटेड अब एक और क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर सेवन है ये, क्या कह रहा है, ई की पावर लिमिट अप्लाई हो रही है एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एम एक्स माइनस ई की पावर एन एक्स डिवाइड बाय एक्स है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, काम सिंपल सा है, देखो क्वेश्चन दोबारा आपने कॉपी करना है, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एम एक्स माइनस ई की पावर एन एक्स डिवाइड बाय एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा, पीछे फॉर्मूला क्या था, देखो लिमिट अगर अप्लाई हो रही हो एक्स अप्रोचेस टू जीरो को और ई की पावर एक्स हो माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, बस ई की पावर जो ई की पावर है वही डिवाइड के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए वही टर्म, तो आपके पास ये पूरी होल टर्म, आपके पास आंसर क्या होता है इसका वन, ये पूरी होल टर्म का आंसर क्या हो जाता है वन हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी ये छोड़ दो कि एम एक्स लिखा है या एन एक्स लिखा है, इससे टेंशन लेने की जरूरत आपने इससे घबराना नहीं है, तो ई की पावर एम एक्स और एन एक्स को अभी गोली मारो। क्या काम करना है, सबसे पहले तो भाई मुझे क्या लाना पड़ेगा, वन लाना पड़ेगा, इसके साथ भी माइनस वन लाना पड़ेगा, इसके साथ भी माइनस वन लाना पड़ेगा, लेकिन यहां मौजूद तो है नहीं, हम अपनी मर्जी से तो नहीं इधर इधर भी माइनस वन लिख दें इधर भी माइनस वन लिख दें, बात समझ आ रही है? तो मुझे माइनस वन लाने के लिए दोनों साइड पर क्या करने की जरूरत है, यहां पर एक बात बताओ, कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है, यहां पर कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है जीरो लिखा है, मैं वैसे ही बता देता हूं, यहां पर कुछ नहीं लिखा तो जीरो लिखा है, जीरो लिखा है मेरे पास। अब मुझे एक बात बताओ, जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूं, जीरो बनता कैसे भाई, या तो माइनस टू प्लस टू करा दो, माइनस थ्री प्लस थ्री करा दो, माइनस फोर प्लस फोर करा दो, जीरो बन जाएगा, ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा तो क्या जाएगा जीरो हो जाएगा, यस और नो? गलत काम तो नहीं किया ना कोई? अब आगे देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एम एक्स माइनस वन इसके साथ गया, अब आप जाहिर सी बात है ना माइनस वन ही लोगे इसके साथ, यहां पर ई की पावर माइनस ई पावर एन एक्स प्लस वन आ गया, और ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है एक्स से। भाई अभी मैं आपको ये बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, कि आपके पास ई की पावर एम एक्स माइनस वन, और यहां पर अगर मैं कॉमन ले लूं ई की पावर एन एक्स, ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन, जब कॉमन लूंगा अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे,
अब क्या करने जाना है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो e की पावर एम एक्स माइनस वन। देखो भाई ये x इसके नीचे भी लिख सकते हैं और ये x इसके नीचे भी लिख सकते हैं। वजह हमें पता है, जब भी दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है और दोनों के नीचे एक ही डिनोमिनेटर लिखा है, यानी एक ही अगर वैल्यू लिखी है तो अपने पास आंसर क्या होता है, वही डिनोमिनेटर अलग अलग सेपरेटली अप्लाई हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम होता है, एक दफा लिख दो और अगर एक दफा लिखा हमको ब्रेक कर दो, कोई बात मसले वाली बात नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, लिमिट दोनों के ऊपर बारी बारी अप्लाई करता हूं, फिर देखता हूं आगे मजीद करना क्या है। इसके ऊपर भी गया लिमिट, इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई एन एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, ये हो गया। अब देखो मुझे एक काम करना पड़ेगा, क्या यहां पर e की पावर क्या है, एम एक्स है। देखो माइनस वन तो दोनों जगह आ गया, मसले वाली बात नहीं, लेकिन यहां पर पावर क्या है एम एक्स, यहां पर पावर क्या है एन एक्स। एक्स तो मौजूद है दोनों जगह, एक्स तो मौजूद है डिनोमिनेटर में, इसके बाद एम नहीं है, इसके बाद एन नहीं है। और फॉर्मूला क्या कह रहे हैं, जो e की पावर लगा है, जो e की पावर में मौजूद है टर्म, सेम एज इट इज वही डिनोमिनेटर में आएगी। आपकी मर्जी नहीं चल रही कि अगर एक्स आ गया तो जस्ट क्या कर दो, वन ले आओ उसकी जगह, नहीं 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 नहीं, जो पावर e की दी है एज इट इज सेम पावर, सेम टर्म आपके पास डिनोमिनेटर में होना जरूरी है। भाई मेरे पास m क्या है, m क्या है, m मेरे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म है m और n। याद रखो m और n इधर क्या है, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे। m और n क्या है, पावर के अंदर जो मौजूद है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर मैं कॉन्स्टेंट कोई भी अगर मैंने जैसे अभी इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर माइनस साइन से क्या कराया, मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, सिमिलरली मैं एक और काम कर सकता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन एम, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम, और क्या करा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एम एंड एन, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दो, किससे, एम से करा दो और एन से करा दो। देखो यहां पर एम से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, यहां पे एन से करा दिया, होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है, यहां पर हमने क्या किया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये टर्म थी, यहां पर मल्टीप्लाई एम से और डिवाइड एम से, क्योंकि इसकी पावर में एम एक्स था, एक्स मौजूद है, एम मौजूद नहीं है। एम लाने के लिए मैंने ये काम किया है, ई की पावर एम एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एम एक्स, ये हो जाएगा। देखो कोई मसला, कोई मुश्किल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वहां पर क्या आ जाएगा, एन इंटू ई की पावर एन एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एन एक्स, डिवाइड वाला एन इधर चला गया, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला एम इधर चलेगा, मल्टीप्लाई वाला एम ऊपर ही रहा और एन ऊपर ही रहा। अब बस सिंपल सी कहानी क्या है, एम को क्या कर दो, बाहर निकाल दो लिमिट से, लिमिट क्योंकि एम क्या है, एज अ कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एम एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एम एक्स, ये हो गया। यहां पर एन को बाहर निकाल दो, लिमिट ई की एक्स की पावर अप्रोच कर रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई की पावर एन एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एन एक्स, हो गया, कोई मसला। अब भाई इन दोनों की जगह क्या लिखो, देखो इन दोनों की जगह, इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों की जगह मुझे लिखना है वन, क्योंकि फॉर्मूला यही कह रहा है कि जहां कहीं लिमिट दिखे अप्रोच करती हुई जीरो, ठीक है, और वहां पर e की नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर जो है, पावर कोई आ रही हो और माइनस वन आ रहा हो, डिवाइड में वही टर्म आ रही हो जो कि e की पावर है, तो उस पूरे का आंसर क्या होता है, इक्वल्स टू वन होता है। मैंने भी यहां पे यही काम किया है, यहां पर भी वन आ गया, यहां पर भी वन आ गया। अब एम मल्टीप्लाई बाय वन एम ही होता है, एन मल्टीप्लाई बाय वन एन ही होता है, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास, एम माइनस एन, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड
आंसर। देखो इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेरे पास e की पावर mx था माइनस e की पावर nx डिवाइड बाय x था, लिमिट में x अप्रोच कर रहा था जीरो को। अब भाई मुझे एक बात पता है कि मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस वन तो साथ होना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने माइनस वन तो था नहीं, मैंने क्या किया भाई, मुझे पता है यहां कुछ नहीं था तो जीरो था। अब मैंने क्या काम किया, वन को क्या करा दिया, एड भी करा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। यहां आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो कहां पे, देखो एक दफा आप क्वेश्चन कॉपी करोगे अच्छे बच्चों की तरह दोबारा, यहां पर क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, मल्टीप्लाई सॉरी एड एन सब्ट्रैक्ट बाय वन। वजह क्या है, मैथ्स का रूल क्या, ऐड करा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी कराओ लाजमी, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में क्या करा दिया, वन करा दिया। अब एक माइनस वाले वन को इधर ले आ, इधर लेकर आ गया, प्लस वन इसके साथ रहा। वजह क्या है कि इसमें से क्या आ गया, ये क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, e की पावर एम एक्स माइनस वन है। यहां पर माइनस साइन कॉमन लिया, क्या कर दिया, e की पावर एन एक्स माइनस वन कर दिया और डिवाइड बाय होल टर्म एक्स। अब यहां पर आपको पता है यहां पर मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लिया, x दोनों के पास चला गया, मैंने क्या देखा लिमिट दोनों के ऊपर अप्लाई कर दी क्योंकि सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ रही थी, लेक्चर वन के अंदर हमने कवर करी, कवर किया है। अब हमने क्या किया, पावर सेम बनाने, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए जो टर्म पावर में मौजूद थी एम एक्स था, देखो एम नहीं था यहां पर एक्स मौजूद था, यहां पर एन नहीं था एक्स मौजूद था, तो मैंने क्या किया है मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एम और एन, क्या हुआ है यहां पर m से मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड कराया इस साइड इस टर्म को, तो m बाहर चला गया और नीचे डिवाइड भी वाला m आ गया, यहां पर सिमिलरली n से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो क्या हो गया मेरे पास n डिवाइड में आ गया और जो मल्टीप्लाई वाला था बाहर निकल गया। इस पूरे टर्म का आंसर क्या होता है, वन होता है। इस पूरे टर्म का आंसर क्या होगा, वन होगा, सिंपल m इंटू वन एम होता है, n इंटू वन एन होता है, m माइनस एन आपका आंसर आ गया। भाई आपको अगर ये लेक्चर समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर काइंडली लाजमी बताना कि तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया और क्या मजीद बेहतर करने की जरूरत है। तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि सर क्या चेंजिंग्स आपने वीडियो के अंदर करनी है, आपने अपने मटेरियल के अंदर करनी है। और अगर कोई क्वेरीज हो आपकी तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप एक तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप की मैं लिंक शेयर करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो लिंक के ऊपर आप ओपन करोगे तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, अपना ख्याल रखना, जज़ाकअल्लाह खैर।